अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं मंत्री जी का उनके समझ बूझ भरे भाषण के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मैंने यह विधेयक पेश करते समय ही स्पष्ट किया था कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारी सरकार गरीबी हटाने के लिए और देश में बेरोजगारी हटाने के लिए प्रयत्नशील है। यह एक वास्तविकता है। इन वर्षों में भारत ने जो प्रगति की है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 1947 से भारत को देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात से निश्चित रूप से सहमत होगा कि काफी प्रगति की गई है और हमारी योजनाएं लाभकारी रही हैं। यदि कोई वास्तविकता को अनदेखी करता है तो वह ऐसा केवल राजनीतिक उद्देश्य से ही कर सकता है। विधेयक पर विचार के लिए प्रस्तुत करते समय स्वयं मैंने सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने तथा गरीबी हटाने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का जिक्र किया था। इन प्रयासों की अवश्य सराहना की जानी चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि सरकार इस स्थिति के प्रति जागरूक नहीं है। प्रश्न चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की आलोचना का नहीं है, बल्कि प्रश्न यह है कि सरकार द्वारा ये प्रयास किए जाने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था सभी को रोजगार देने में असफल रही है। इस असफलता को दूर करने के लिए इस प्रयोजन को सभी नागरिकों के लिए काम सुनिश्चित करने हेतु यह विधेयक लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक प्रत्येक नागरिकों को काम से इनकार करने का अधिकार देने के लिए नहीं, बल्कि सभी को काम देने के लिए है। और यदि हमारी अर्थव्यवस्था सभी को काम का अधिकार देने में असफल रहती है तो हमारे संगठित और सभ्य समाज को प्रत्येक व्यक्ति के प्रति यह जिम्मेदारी माननी चाहिए। अतः इस विधेयक में वह सब कुछ होना चाहिए जिससे हम अपने समाजवादी लक्ष्य को हासिल कर सकें और अपनी मंजिल की तरफ एक नहीं बल्कि दो कदम और बढ़ाएं।
स्टॉप।